क्लास प्लस टू सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। स्टूडेंट्स, हमने अब तक अपने जो फिफ्थ चैप्टर तक थे हमने वो हम कंप्लीट कर चुके थे, यूनिट सेकंड, जो कि हमारा फिफ्थ चैप्टर पे ख़त्म होता था। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला चैप्टर था, प्रिंसिपल और टेक्निक्स, वहाँ तक हम अपना चैप्टर कर चुके हैं। अब हम आज से अपना सिक्स चैप्टर जो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स डायमेंशंस, हम ये सिक्स चैप्टर आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या है हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट। बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे बिज़नेस के अंदर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट ऑल ओवर, अगर हम अपने इन्वायरमेंट की देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें आती हैं। क्या आता है? वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं। और अगर हम अपने बिज़नेस के अंदर देखें, ठीक है, जो हमारे बिज़नेस वी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ जनरेटिंग इनकम थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। जो हमारा बिज़नेस है वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरेट इनकम, इनकम को जनरेट करते हैं किससे? अपनी चीज़ें बेचकर और लेकर, बाइंग कर और सेलिंग कर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेंटरिंग एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। मॉडर्न बिजनेस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, सो इट मस्ट अचीव इट्स इकोनॉमिक गोल। ठीक है, उसके अंदर हमारा मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या आती हैं। द बिजनेस इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस एंड सराउंड एंड अफेक्ट इट। क्या है? हमारी सारी चीज़ें आती हैं, कंडीशंस भी आती हैं, इवेंट्स भी आते हैं, इन्फ्लुएंसेस भी आती हैं, एंड दैट सराउंड अफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें हमारी इन्वायरमेंट को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। दो कैटेगरी से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं अपना। एक हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है और एक हमारा कौन सा होता है? नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। जो हमारा इकोनॉमिक जो हमारे इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर हमारे कौन क्या क्या आते हैं? फिस्कल पॉलिसीज आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती हैं, फिजिकल लिमिट्स ऑन आउटपुट आता है, एंड प्राइस एंड इनकम एवोल्यूशन नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये सारे क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम के जो हमारे क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। अब सेकंड हमारा क्या आता है? नॉन इकोनॉमिक आता है। नॉन इकोनॉमिक में हमारा क्या आता है? जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स हमारे किस में आते हैं? नॉन इकोनॉमिक के अंदर। हेयर बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दीज दोज इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। जो हमारे ये सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इसके अंदर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का। इन जो हमारा ये नॉन इकोनॉमिक वाला जो हमारा फैक्टर होता है इसके अंदर हमारे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। बट जो हमारा इकोनॉमिक जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, हमें कितना पैसा लगाना है, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी अंदर जो हमारे इंटरनल के जो हमारे हाथ में होता है, इन सभी चीज़ों पर हमारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज ऑल द कंडीशंस एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट अंडर व्हेन इट्स ऑपरेट। आगे हमारा क्या है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर अब हम करेंगे अपनी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये क्या है हमारा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं उसका क्या होता है? ये सारा टोटल होता है। स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्स, इसके अंदर क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जर्नल फोर्स होते हैं। स्पेसिफिक क्या होते हैं? जो हमारे चीज़ आती ही आती हैं, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज होगी। और कुछ क्या होता है? हमारा जर्नल फोर्स होता है, जैसे कि पॉलिटिकल है, वो क्या है हमारा? कभी कभी ही हमारा ये जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो कभी कभी ही आएगी। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा? कोरिलेटेड विद ईच अदर। जैसे कि एग्जांपल है, लेट अस सपोज, ठीक है, देयर इज़ अ चेंज इन द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। अगर एक नई गवर्नमेंट के आने से क्या होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर कुछ हमारा प्रॉब्लम्स होगी, कुछ पॉलिसीज चेंज होगी, तो इस करके डायनामिक नेचर क्या हमारा? डायनामिक होता है, तो वो क्या होता रहता है? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। क्या है? अनसर्टेनिटी है, ठीक है, चेंज होगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स है। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे आते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इम्पोर्टेंस के अंदर हम क्या देखते हैं, फर्स्टली हमारा फर्स्ट मोवर एडवांटेज, इसके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प द फर्म इज कैपिटलाइज ऑन अर्ली अपॉर्चुनिटी रेदर द लोज दीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि क्या है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प द फर्म, जो है जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस है वो क्या करता है, फर्म की हेल्प करता है टू कैपिटलाइज टू अर्ली अपॉर्चुनिटी, जो है हमें ही अपॉर्चुनिटी मिले पहले की क्या, लूज दोज कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, वो जो हमारे साथ कॉम्पिटिटर्स जिनका होता है वो चीज़ उनसे पहले क्या हो, हमें हो। वार्निंग सिग्नल्स हो गया, टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज हो गया, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस हो गया, जल्दी से जल्दी हम अपकर अपने जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम अडॉप्ट कर लें, ठीक है। असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके अंदर। और जो कंपोनेंट्स और टाइप्स हैं वो हम कल करेंगे, ओके।